तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाली डिज़ाइन। तो डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है कि आपको यहाँ पे ये आपके स्पेसिंग और यहाँ पे जंप अप निकाल देने का। उसके बाद यहाँ से एम लेके हम सबसे पहले रिपीट चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 250 का रिपीट है। तो 250 का आधा कितना होता है? 125। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से इसकी जो वीड है उसको कर देना है 125। एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से स्टार्टिंग में लेके यहाँ पे इस तरह से रख देना है। अभी ये रेक्टेंगल का मतलब क्या है, इसको लॉक कर देते हैं सबसे पहले कि आपको जो डिज़ाइन बनानी है वो ये रेक्टेंगल के अंदर ही बनानी है। तो ये हमारा पहला रिपीट है। तो यही रिपीट को फिर कॉपी करके इसको हमको इसके ऊपर रख देना है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो यहाँ से मैं इनपुट ए ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पिंक है वहाँ पर हम ग्रीन कलर रखेंगे। तो थोड़ा बाहर से ही बनाते हैं पहले से ही। तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद ये वाला बनाएंगे, तो इसको भी हम इनपुट ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद इसका जो स्टार्ट एंड पॉइंट है वो भी हमको डिजाइन के साथ में ही चेंज करते जाना है, ताकि पंचिंग के वक्त थोड़ी आसानी हो। और मैं इसको थ्रू व्यू में बनाऊंगा ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये वाला थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया है, तो इसको थोड़ा फिर चेंज कर देंगे, मतलब एडिट कर देंगे। उसके बाद ये वाला बन गया है। उसके बाद थ्री ट्रू व्यू में से निकालेंगे, एच प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेटिंग कर देंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा साथ साथ में है, तो इसको आप थोड़ा अलग कर दीजिए ताकि डिज़ाइन में थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा हल्का सा ये कर देंगे। तो यहाँ पर अभी ये दिखने में अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट राइट लग रहा है, यहाँ पर देखिए इसको एच करके थोड़ा हल्का सा ऊपर कर दीजिए, तो अभी एकदम परफेक्ट है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका कलर ब्लू। उसके बाद ये वाली आउटलाइन बनाएंगी, तो ये बनाएंगे, तो ये बनाइए बैक स्टिच से। तो इसको भी थोड़ा डिफरेंट वे में बनाएंगे हम, ये पूरा ऑब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे को मतलब पंचिंग किस तरह से करना है। डिज़ाइन बनाने से पहले ये चीज़ भी आपको थोड़ा मतलब देख लेना है कि इसका पंचिंग कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन सा कलर पहले चलेगा, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट करना है। ये तो मेरे को पता है वीडियो में, इसलिए मैं फटाफट स्टार्ट कर दिया, बाकी सबसे पहले आपको देखना पड़ता है। तो अभी इसका कलर चेंज कर देते हैं ब्लू। यहाँ से मैं ब्लू कलर ही ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे इस ये देखिए ये वाला ये चलो पहले ये बीच वाला बना देते हैं, उसके बाद नीचे वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले आउटिंग ही बना देते हैं, तो ये बन गया। उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ये मेरे को पंचिंग करने में ईजी हो इसीलिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ। तो ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, तो ये वाला इसके लिए आपको आने वाला नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पंचिंग में ही आपको पता लगेगा कि ये वाला मैंने क्यों ऐसे आधा आधा बनाया हुआ है। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छा है, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से करेंगे, फिर ये वाला पार्ट इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाला जब आप पंचिंग के पंचिंग वाला वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये वाला क्यों ऐसा किया हुआ है। तो पंचिंग वाला वीडियो देखना भूलिएगा मत। तो ये हमारा बन गया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कीप और सोर्स ऑब्जेक्ट कौन रखना है, यहाँ से मैं इसको कर दूंगा कम्बाइन। उसके बाद कंट्रोल एच करके इसके एंगल चेंज कर देते हैं। तो इसके एंगल चेंज कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे अपना ग्रीन कलर है, तो मैंने ग्रीन कलर रख दिया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से कंबाइन करेंगे, एच प्रेस करके इसको इसके ऊपर सेट कर देंगे। और इसका स्टार्ट एंड पॉइंट बराबर है, लेकिन एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके हिसाब से एंगल सेट कर दीजिए, या फिर डिजाइन में जैसे वैसे रख दीजिए।
उसके बाद हमको ये वाला बनाना है, तो ये वाला आप कॉम्प्लेक्स फील्ड से भी बना सकते हो, इनपुट ऐसे भी बना सकते हो। तो मैं कॉम्प्लेक्स, चलो इनपुट ऐसे ही बना लेते हैं फटाफट। इसको कलर कर देते हैं हम रेड। तो यहाँ तक हमारा बन गया है। उसके बाद इसको ग्रुप कर लेंगे, इसको ये वाले ऑब्जेक्ट को कंट्रोल जी करके, और इसको इसके ऊपर पहले कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने, तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है। उसके बाद ये जो बाकी के ऑब्जेक्ट है इसको भी फटाफट बना लेते हैं। तो ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट रह गया है, तो एक यहाँ पर रखेंगे, एक यहाँ पर, और इसको राउंड पॉइंट नहीं करते, सीधा ही पॉइंट करते हैं, और फिर कुछ इस तरह से रख देंगे। अगर नहीं हो रहा है तो इसको फिर और वो जब एंगल आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये बराबर बना है कि नहीं बना है। तो पहले ये ऊपर वाले बना देते हैं, फिर उसको अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर इसके एंगल चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये अभी हमारा परफेक्ट है, तो इसको चलने देते हैं। अगर आपको कुछ एंगल में गड़बड़ लग रही है तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे थोड़े ज़्यादा कम है तो इसको यहाँ से इस तरह से एंगल सेट करके थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स फील से बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनपुट ऐसे भी बन सकता है और कॉम्प्लेक्स फील से भी। तो आपको जो लगे उससे, आपको आपको मतलब जो एकदम सही लगे उससे आप बना लेना। बाद कंट्रोल एच प्रेस करके इसके थोड़े से एंगल चेंज कर लेते हैं। ये एंगल में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो इसको यहाँ से इस तरह से खींच लेंगे और इसको थोड़ा आगे कर देंगे। उसके बाद एच करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट भी हम चेंज कर देते हैं। तो इतना हमारा बन गया है। उसके बाद ये वाला बनाते हैं, तो इसको मैं बनाता हूँ कॉम्प्लेक्स फील से। यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा ओवरलैप हो जाएगा, तो इसके लिए कौन सा टूल कब यूज़ करना हो पड़ता है वो भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ये हो गया। उसके बाद इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये अपना ग्रीन कलर है, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। उसके बाद ये वाला बना देते हैं इनपुट ऐसे। एच प्रेस करके स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर देंगे और इसका कलर भी साथ में चेंज कर देंगे ग्रीन कलर। तो अभी ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसको भी फटाफट बना लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। उसके बाद ये ऊपर वाला बनाते हैं, बाद ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको इनपुट ऐसे बना सकते हैं।
एक्सप्रेस करेंगे। स्टार्ट एंड पॉइंट आप चेंज करना मत भूलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी ये फाइनल है, इसके बाद एक और है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स इनपुट ऐसे ही बनाते हैं। उसके बाद इसका स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज कर देंगे, उसके बाद ये वाला भी इनपुट ऐसे बनाते हैं। बाद एच प्रेस करके स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज कर देंगे। उसके बाद ये वाला ही बाकी रहा है, तो इसको भी फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं इनपुट नहीं, यहाँ से कॉम्प्लेक्स फिल यूज़ करेंगे और यहाँ से थोड़ा ओवरलैप बनाएंगे ताकि रिपीट सेट करने में थोड़ी आसानी हो हमको। उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से बना देंगे, कंट्रोल एच करके इसके एंगल चेंज करने, तो हम एंगल भी चेंज कर देते हैं। उसके बाद इसको कर देंगे ग्रीन कलर और यहाँ से इसको भी इनपुट ऐसे फटाफट बना लेते हैं। उसके बाद इसके स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज कर देंगे और इसको कर देंगे ग्रीन कलर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ तक हमारी डिज़ाइन बन चुकी है, मतलब 125 के रिपीट में हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। अभी इसको हमको रिपीट करना है, तो यहाँ से डी करेंगे, शिफ्ट के करके जो ये रेक्टेंगल लॉक किया था उसको अभी डिलीट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद हम डब्लू प्रेस करेंगे, यहाँ से 100 रिपीट करके 3 करके यहाँ पे 125 करेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके पहले आपको डिज़ाइन को ग्रुप कर लेनी है, उसके बाद रिपीट चालू करना है। उसके बाद यहाँ से इसको कंट्रोल डी करेंगे या फिर आप राइट क्लिक करके ऐसे खींच सकते हो तो भी आपकी डिज़ाइन कॉपी हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके खींचना है, उसके बाद इसको इस रिपीट के ऊपर रख देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने रख दिया है। उसके बाद जो काम है वो आपको रिपीट चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमको थोड़ा बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत बाकी तो कंप्लीट है। तो इसको थोड़ा सा छोटा करने की ज़रूरत है, तो इसको पहले अनग्रुप करेंगे कंट्रोल यू, उसके बाद एच प्रेस करके इसको थोड़ा सा इसके साइड में ले आएंगे कुछ इस तरह से। और वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देख लेना है, मतलब स्टार्टिंग में भी देख लेना है। तो स्टार्टिंग में भी थोड़ा छोटा करने की ज़रूरत है, तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, एच प्रेस करके इसको थोड़ा सा अंदर ले आएंगे। तो ये हमारे रिपीट सेट करके हमने डिज़ाइन परफेक्ट बना ली है। तो डब्लू प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो ये हमने डिज़ाइन बना ली है। अभी आने वाले वीडियो में हम इस डिज़ाइन का पंचिंग करेंगे, तो इसका पंचिंग थोड़ा अलग से है, तो आप वो वाला वीडियो मत मिस करना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पहला कलर चलेगा कौन सा दूसरा चलेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसका पंचिंग थोड़ा हम अलग टाइप से करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।